हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और मैं कैड रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आज और एक मैं वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो ये है एक मैकेनिज्म वाला रिंग और इसका जो वीडियो है वो कुछ इसका जो फाइनल आउटपुट है वो कुछ ऐसा था। जो एनिमेशन का आउटपुट मैं बता रहा हूँ, आप रेंडर में मत जाइए क्योंकि रेंडर में जस्ट मैं ऐसा ही किया था। इसका भी अभी तक मेटल में थोड़ा काम बाकी था। तो आप देख सकते हो ये जो रिंग है, पहले तो वो प्लेटफॉर्म से ऊपर आता है। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म से ऊपर आता है और फिर अपने अपने डायरेक्शन में वो घूम रहा है। ओके, तो ये जो एनिमेशन है ये करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक सा आइडिया दूंगा ताकि आप इसको कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक बेसिक सा मॉडल बना के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए एनिमेशन कैसे किया जाता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और एक बात मैं बता के रखता हूँ, ये जो एनिमेशन आज मैं आपको दिखाऊंगा ये मैं कीशॉट में दिखाने वाला हूँ। तो कीशॉट में दिखाने के लिए आपको कीशॉट जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए और इंस्टॉल होने के बाद अब जब आपका मैट्रिक्स राइनो या मैट्रिक्स गोल्ड कोई भी अगर आप बंद करके फिर चालू करोगे तो आपको यहाँ पे जो कीशॉट का जो आइकन है, जो ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर आ जाएगा, आपके डिस्प्ले होगा मैट्रिक्स राइनो या मैट्रिक्स गोल्ड में आपको डिस्प्ले होगा। तो आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सेंड टू कीशॉट। ओके, तो आपको आप देख सकते हो यहाँ पे कीशॉट ओपन नहीं है। आप जब भी इसको क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक तो आपको दिखाई देगा कीशॉट ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट कर रहा है इस फाइल को। तो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कीशॉट ऑन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इम्पोर्ट होने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे इम्पोर्ट होके आ गया है। ओके, इम्पोर्ट होके आ गया है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कमांड दूंगा। तो कमांड के लिए आपको जाना पड़ेगा, जब आपका जो कीशॉट है, ये मेरा कीशॉट 10 वर्जन है, तो इसका जो डिस्प्ले है ये कुछ ऐसा है। ओके, और आपको दिखाई देगा, आप जब एनिमेशन करोगे तो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, इसको आप क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एनिमेशन का एक ऑप्शन ओपन होके आया है। तो मेरा ये मॉडल आ गया है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा पैन कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। अभी इसको मैं एनिमेशन करूँगा। तो आपका जो कीशॉट है कुछ उसका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा करके वो चालू होगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट एनिमेशन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सीन मॉडल कैमरा इन्वायरमेंट लाइटिंग इमेज ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो मेरा सीन का जो है, सीन क्या बताता है, यहाँ पे आपका जो मॉडल है, आपका मॉडल में कितना पार्ट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, आप इसको एक एक करके यहाँ से करोगे तो आपको पता चलेगा ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसको मैं करूँगा हाइट, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इसका और इसका दोनों का कलर सेम है, तो दोनों का कलर सेम है इसलिए वो सेम इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो ये
उस कलर का जितना पार्ट्स है वो एक एक करके दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मुझे फ़िलहाल ये वाला पार्ट चाहिए रोटेशन के लिए, एनिमेशन के लिए। तो मैं इस पार्ट को क्लिक करूँगा और आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐड एनिमेशन करके, और आप यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया एनिमेशन का, एनिमेशन विजार्ड। ओके, तो मैं इस पार्ट को क्लिक कर लूँगा और इसको मैं बोलूँगा एनिमेशन विजार्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन चालू होके आया है, और यहाँ पे आपका क्या बता रहा है, एनिमेशन टाइप। और एनिमेशन टाइप में आप जाओगे, एक एक करके आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कैसे वो एनिमेशन होगा, कौन सा टाइप में वो एनिमेशन होगा। तो ये एक टाइप है, ये एक टाइप है, ये एक टाइप है, ये एक टाइप है, और ये एक टाइप है। तो हम लोगों को चाहिए रोटेशन वाला, रोटेट होगा वो, तो ये रोटेशन वाला हम लोग लेंगे। चलिए देखते हैं फिर इस रोटेशन में क्या दिया जा रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको बोलूँगा नेक्स्ट, और वापस वो पूछेगा कौन सा मेटल चाहिए। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है, मेटल। तो मेटल यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अब मेटल क्लिक किया, और ये मेटल टू, मेटल टू यहाँ पे भी कौन सा एक आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा और इसको बोलूँगा नेक्स्ट। ओके, और फिर आपको दिखाई देगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में कौन सा चाहिए आपको वो करके देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे पता है ये कौन सा एक्सेस में जाएगा, ये जाएगा जेड एक्सेस पे। आप यहाँ से भी करके देख सकते हो, सपोज़ मैं ये एक्स में क्लिक किया और इसको मैं बोल दिया फिनिश, तो फिनिश के पहले और एक में यहाँ पे कर लूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये कंटिन्यू रोटेशन होगा। और यहाँ पे जो आप देख क्लिक करोगे तो ये माउस, पहले ये बॉक्स को आप देखो, ये स्लो से चालू होके फास्ट हो रहा है, और ये फास्ट चालू हुआ फिर जाके स्लो हो गया। ओके, और ये फास्ट इन आउट हो, और ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, स्लो से चालू होके फास्ट होगा ये वाला ऑप्शन में क्लिक कर लूँगा, इजी इन। ओके, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं कर लूँगा प्ले। आप देख सकते हो ये कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, ये सही नहीं है। तो मैं इसको पॉज कर लूँगा और मैं इसको बोलूँगा अभी वाई, फिर मैं वापस करता हूँ। अब देखो ये कौन सा होगा, ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है, और ये जेड, क्योंकि मुझे जेड चाहिए तो जेड में ही होगा। आप देख सकते हो ये रोटेशन बराबर हो रहा है। ओके, तो मैं इसका जो टाइमिंग है, अब यहाँ पे आप जब भी मैं इसको टाइमिंग बढ़ाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। ओके, तो ये इसका टाइमिंग है, आपको कौन सा कितना टाइमिंग में चाहिए, आपका कितना रिक्वायरमेंट है वो आप इस आपके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको कर लूँगा पॉज, और मैं अभी क्या करूँगा, ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे एनिमेशन करना है। तो इसको जब एनिमेशन करोगे, इसका और इसका जो टाइमिंग है वो दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा, एक रोटेशन होते जाएगा और एक जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाओ आप, एक तो ऑप्शन है आप सेम टू सेम इसको टाइमिंग वगैरह जो भी दिया है आप उसको सेम टू सेम करो, और एक है आप इसका ही जो एनिमेशन है, आप ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आप देख सकते हो, इसको मैं हाइड किया, इस पार्ट का जो एनिमेशन है ये नीचे आके ऐड होगा जब भी आप इसको एनिमेशन करोगे। तो मैं क्या करूँगा अभी, इसको कॉपी एनिमेशन करूँगा, कॉपी एनिमेशन, और ये जो पार्ट है आपका कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। ओके, अब इसको एक बार मेक श्योर होने के लिए आप इसको हाइड करके देख सकते हो। तो इसको मैं करूँगा, इसको कॉपी कर लिया, और इसको वापस राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको बोलूँगा पेस्ट एनिमेशन। ठीक है, अब पेस्ट एनिमेशन हुआ, अब मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूँ,
दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, आप देख सकते हो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, जबकि वो नहीं चाहिए। मुझे ये वाला जो नया एनिमेशन ऐड होके आया है इसको मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो ऑपोजिट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस, ये 90 डिग्री था और ये माइनस 90 डिग्री करके मैं इसको ओके करूँगा। फिर मैं प्ले करता हूँ, अब देख सकते हो अभी बराबर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो मेरा इस एनिमेशन का हो गया, अभी मैं इसको पॉज कर लूँगा। तो मुझे अभी क्या हुआ कि इस दोनों पार्ट का एनिमेशन हो गया है। अभी क्या करना है, इस पार्ट को एनिमेशन करना है। तो इस पार्ट को एनिमेशन करने के लिए आपको सेम वही करना है, इसको क्लिक करना है एनिमेशन विजार्ड। ओके, फिर इसको भी रोटेशन करना है, रोटेशन, और मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। और फिर हम लोगों का प्रोजेक्ट कौन सा था, ये मेटल ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट में है तो ये ध्यान रखना है कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको बोलूँगा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट पहले कोई भी एक को कर लेता हो तो मैं इसको कर लूँगा और इसको मैं बोलूँगा नेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसको भी, क्योंकि इसका वो इजी इन था तो इसको मैं भी इजी इन करूँगा। ओके, और मैं इसको फिनिश कर लूँगा, फिनिश। और मैं इसका भी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को भी मैं यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जितना घूमेगा इसको भी उतना ही घूमना है। तो मैं अभी इसको प्ले कर लूँगा। तो आप देख सकते हो मेरा ये जो ये घूम रहा है अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो मैं वापस इसको क्लिक करूँगा और इसको एक्स वाई जेड जैसे मैं आपको दिखाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा इसका जो हरकत है थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मुझे जेड भी नहीं चाहिए, जेड आप देख सकते हो जेड अलग डायरेक्शन में जा रहा है और ये अलग डायरेक्शन में, तो मुझे यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन में चाहिए। तो ये वाई किया और इसको मैं वापस प्ले कर लूँगा। आप देख सकते हो ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में, जबकि इसको अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना है। तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको मैं पॉज कर लूँगा और इसको मैं क्लिक कर लिया और इसको मैं बोलूँगा -90 और इंटर कर लूँगा। अब देख सकते हो अभी प्ले करके ये बराबर सेम टाइमिंग में घूम रहा है। ओके, तो ये जो मेरा एनिमेशन था ये मैं एनिमेशन ऑलरेडी इसमें फिट कर के रखा हूँ। अभी जैसे आपको दिखाया था, आपके हिसाब से आपका जो कितना टाइमिंग है, आपको कितना बार उसको घूमना है, आप इस आपके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। और सेट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रीव्यू में। ओके, क्योंकि आप इधर से प्ले करोगे, इधर से प्ले करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो उसके लिए आपको ये पॉज करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रीव्यू का बटन दिया है, आप माउस लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा प्रीव्यू। ओके, तो आप प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 100% होगा तब जाके आप यहाँ से प्ले कर सकते हो और वो कैसे रिएक्ट होगा, उस जो एनिमेशन कैसे वो प्ले होगा, कौन सा स्पीड में प्ले होगा, आप यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडरिंग के पहले। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 100% होगा फिर जाके आप प्ले करोगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
और अभी आप देख सकते हो ये जो प्रीव्यू का जो जो ये प्रीव्यू का जो चल रहा था वो 100% कंप्लीट हो गया। अब जाके मैं ये प्ले कर सकता हूँ और मैं प्ले करता हूँ अभी इसको, क्योंकि मैं इस सिर्फ सेंटर वाला पार्ट को ही एनिमेशन का ऑप्शन दिया हूँ, तो ये सेंटर वाला पार्ट ही एनिमेशन हो रहा है और ये सब एनिमेशन नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको सेंटर वाला पार्ट को एनिमेशन का जो भी ऑप्शन मैं इसको दिया हूँ, और सेम आप भी इस सब को वही जो सेटिंग्स है इसका जो सेटिंग्स है वही आपको इस सब के सेटिंग्स में फिट करना है, तब जाके आप ये सब प्ले होगा। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से वो प्ले होगा अब जब भी आप सबको सेम कमांड यूज करोगे तो। तो ये था एक छोटा सा बेसिक आइडिया कैसे एनिमेशन किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।